जी, मेरा नाम है रीमा वोरा और मैं पिछले 15 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। सो बचपन से मैंने शुरुआत की थी, शाकला का बुम बुम अगर आप लोगों ने देखा होगा तो तब से मैं काम कर रही हूँ। जानिसार जी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह के कंपोजर आपको लगे? जानिसार जी के साथ मैंने अपनी फर्स्ट हिंदी फिल्म की थी और जो म्यूज़िक उन्होंने हमारी फिल्म को दिया था डैट वॉज़ वेरी वैल्यूएबल और सोल टचिंग म्यूज़िक है। छूले आसमान नाम था फिल्म का। और उनका बात ये है उनकी खास कि इनका म्यूज़िक जो है ना वो आपके दिल को छू जाता है। ये एक अलग तरह का म्यूज़िक है एंड ही इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड पर्सन। मतलब ये है कि इंडस्ट्री में अभी तो बहुत म्यूज़िक बन रहा है, ऑलरेडी गुड सॉन्ग्स आर कमिंग अप ऑफकोर्स, बट ये एक अलग तरह का म्यूज़िक है, यू नो, एक सोल सूदिंग, सोल टचिंग, एक सूफी गाना, एक अच्छा लगता है फील गुड फैक्टर जो गाना है वो होता है। अच्छा, इन्होंने अभी अपनी म्यूजिक कंपनी भी एयर म्यूजिक जी के नाम से खोली है जी, उसमें कई एल्बम्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, आप शायद थी भी? यस 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 यस, दिल टूट गया एल्बम का नाम है, उसमें आई थिंक 5 सॉन्ग्स लॉन्च हुए हैं और सारे ही सॉन्ग्स एक बहुत ही प्यारा, एक तो कश्मीरी सॉन्ग है जो एक सोलो है लड़की का, तो पहले मैंने आज से पहले कभी भी कश्मीरी म्यूज़िक सुना नहीं था और जब मैंने वो गाना सुना तो मतलब भले ही मुझे कुछ वर्ड्स समझ आए कुछ वर्ड्स नहीं समझ आए बट आई लव्ड ईच एंड एवरी सॉन्ग। इनफैक्ट जो ये जो दिल टूट गया जो कवर एल्बम है उसका मैंने वीडियो देखा एंड इट वॉज लाइक परफेक्ट, ऐसा नहीं लग रहा था कि फर्स्ट एल्बम है तो यू नो कुछ यहाँ आगे पीछे होगा या कुछ होगा, बट एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। मतलब कोरियोग्राफी से लेके आपकी फोटोग्राफी से लेके आपका म्यूज़िक से लेके आपका सिंगिंग से लेके आपका एवरीथिंग एवरीथिंग वॉज जस्ट इन प्लेस। या अच्छा, आप भी कुछ नेक्स्ट इनके साथ जुड़कर करने वाली हैं, थोड़ा सा बताएं? जी, हम लोग बहुत जल्दी एक सॉन्ग प्लान कर रहे हैं कश्मीर में। वेल, कश्मीर से ये कनेक्शन है बिकॉज जानिसार जी कश्मीर से हैं और सेकेंडली कश्मीर एक ऐसी इंडिया के लिए एक आई थिंक ब्लेसिंग है, यू नो, और इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ पर जाके आपका दिल खुश हो जाता है। वहाँ के सॉन्ग्स, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फोक अपने को यहाँ पर बॉम्बे में रह के पता नहीं चलता इतना, जो रियल टच है कश्मीर का। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो रियल टच है कश्मीर का वो हम यू नो पूरी दुनिया को सुनाएं एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं अभी आगे एक सॉन्ग की। बचपन से आप इंडस्ट्री में हैं? हाँ जी। म्यूज़िक किस तरह का आप पसंद करते हैं? म्यूज़िक हर तरह के म्यूज़िक अच्छे होते हैं, कोई म्यूज़िक ऐसा नहीं होता है कि गुड म्यूज़िक होता है या बैड म्यूज़िक होता है। सबसे पहली बात, आप जो म्यूज़िक सुनते हैं जो आपके दिल को छूता है पर्सनली वो म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, सेकेंडली आपको कभी कभार पास्ट म्यूज़िक यू नो अच्छा लगता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे सोल सूदिंग म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है। अगर आप मेरा प्रेफरेंस मतलब चाहेंगे तो फिर मैं प्रेफर करूँगी समथिंग यू नो जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, आपको सूदिंग लगे, आपके दिल को छुए और आप रिलैक्स हो पाओ। हाँ जी, अपकमिंग, वेल अभी मैं एक शो कर रही हूँ मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव ऑन स्टार प्लस जो 7:30 बजे आता है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा उसमें छोटी मोमानी का। और उसके अलावा मैं एक फिल्म भी कर रही हूँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये देखिए